वो तो खुद भगवान से लड़कर लोगों को बचाती थी। आखिर लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने वाली जिंदगी की जंग से इतनी जल्दी कैसे और क्यों हार गई? दरअसल इंदौर में मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर अपूर्वा गलोनी पीजी की पढ़ाई के साथ एमओआई हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी। आपको बता दें कि जेडी गर्ल्स हॉस्टल में वो 2 सालों से रह रही थी। तभी रविवार यानी 24 जुलाई के दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे अपूर्वा की फैमिली समेत दोस्तों के होश उड़ गए। दरअसल अपूर्वा की इमरजेंसी शिफ्ट हॉस्पिटल में 8 बजे की थी, लेकिन वो ड्यूटी पर नहीं पहुंची। काफी इंतजार के बाद साथियों ने अपूर्वा को कॉल लगाया, लेकिन अपूर्वा ने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। दोस्तों को किसी अनहोनी की शंका होने लगी, जिससे आनंद फानंद में वो हॉस्टल पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद वो हॉस्टल के भीतर पहुंचे, लेकिन वहां का मंजर देख सभी के होश फाकता हो गए। आपको बता दें कि कमरे में अपूर्वा बेहोश पड़ी मिली, जिसके बाद बिना देरी किए लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक एमओए हॉस्पिटल में सूचना मिली कि डॉक्टर अपूर्वा को बेसुध हालत में उनकी साथी एमओए अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां इलाज के दौरान मरीज ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि एनेस्थीसिया का ओवरडोज मौत की वजह हो सकती है। अपूर्वा के हाथों में एनेस्थीसिया की सिरिंज लगी हुई मिली, साथ ही कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसकी जाँच पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।